आज कमेटी ऑफिस पर हाजियों के इंतजामात के सिलसिले में एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर कपूला ईश्वर साहब, हमारे हज कमेटी चेयरमैन साहब, आंध्रा से भी हमारे हज कमेटी चेयरमैन साहब, वक्फ बोर्ड चेयरमैन, वहाँ के सेक्रेटरी, यहाँ के सेक्रेटरी, सब शरीक रहे हाजियों के इंतजाम के सिलसिले में। हिंदुस्तान में, तेलंगाना स्टेट में बहुत अच्छे इंतजाम होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हज कमेटी के, सेंट्रल हज कमेटी के मेम्बर जब आते हैं तो मुझसे कहते हैं कि साहब आपके पास जितना इंतजाम अच्छे होते हैं दूसरी जगह नहीं है। तो यहाँ से हाजियाँ जो है तकरीबन 3,000 हाजी जा रहे हैं, जिसमें 800 हाजी जो है आंध्रा के, हमारे बाकी 2200-2300 हाजी तेलंगाना के। अच्छे से अच्छे इंतजाम करने के लिए तमाम डिपार्टमेंट, GMR, सऊदी एयरलाइंस, हर तमाम तकरीबन 20 महकमे के अहदेदार आए थे। काफ़ी डिटेल मीटिंग हुई, इसके अंदर इंतजाम के सिलसिले में डिस्कशन हुआ और अच्छे से अच्छे इंतजाम करने की उन्हें हिदायत दी गई। बात नहीं है, ये साल जो है नेक्स्ट ईयर से जो है ना तकरीबन हाजियों को पूरा रुबात का भी इंतजाम करेंगे। मैं खुद गया था उमरे के लिए, जाके वहाँ पर पूरी देख के करके, इंस्पेक्शन करके, मीटिंग भी हुई। हसन शरीफ साहब बोल के है इसके इंचार्ज, उनसे भी, काउंसलर जनरल ऑफ इंडिया से भी मीटिंग हुई मेरी, तो वो भी काउंसलेट में हमारी मीटिंग हुई, तो वो बताए कि ऐसी ऐसी बात है। मगर ये साल हर साल की तरह इस साल जो है अजीज़िया वगैरह में खरीब में जो है ना हाजियों को अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये साल गवर्नमेंट से जो है ना इंतजाम अच्छा हुआ है।